एक तरफ आरएसएस और बीजेपी, जो संविधान है, लोकतांत्रिक सिस्टम है, उसको खत्म करने की कोशिश कर रही है, और दूसरी तरफ इंडिया गठबंधन, कांग्रेस पार्टी, संविधान को, लोकतंत्र को डिफेंड करने की कोशिश कर रही है, उसकी रक्षा कर रही है। कुछ दिन पहले प्रधानमंत्री ने एएनआई को बहुत लंबा इंटरव्यू दिया, स्क्रिप्टेड था मगर फ्लॉप शो था। प्रधानमंत्री जी ने उसमें इलेक्टोरल बॉन्ड्स समझाने की कोशिश की। प्रधानमंत्री जी कहते हैं कि इलेक्टोरल बॉन्ड्स का सिस्टम ट्रांसपेरेंसी के लिए लाया गया, राजनीति को साफ करने के लिए लाया गया। अगर यह सच है तो उस सिस्टम को सुप्रीम कोर्ट ने रद्द क्यों किया? और दूसरी बात, अगर आप ट्रांसपेरेंसी लाना चाहते थे तो जिन लोगों ने आपको पैसा दिया, बीजेपी को पैसा दिया, हजारों करोड़ रुपए दिए, उनका नाम आपने क्यों छुपाया था? और जिन तारीखों पे उन्होंने आपको पैसा दिया उसको आपने क्यों छुपाया था? पता लगता है हजारों करोड़ रुपए का कॉन्ट्रैक्ट किसी कंपनी को मिलता है, उसके एकदम बाद वो कंपनी बीजेपी को पैसा देती है। सीबीआई की इंक्वायरी होती है, ईडी की इंक्वायरी होती है, किसी कंपनी पर शुरू होती है, उसके 10-15 दिन बाद कंपनी करोड़ों रुपए बीजेपी को देती है और फिर सीबीआई की इंक्वायरी, ईडी की इंक्वायरी बंद हो जाती है। सड़क पे इसको एक्सटोर्शन कहते हैं सड़क पे। तो ये जो है इलेक्टोरल बॉन्ड्स का जो स्कीम है, ये दुनिया का सबसे बड़ा एक्सटोर्शन का स्कीम है। हिंदुस्तान के सारे बिजनेसमैन इस बात को समझते हैं, जानते हैं, और प्रधानमंत्री जितनी भी सफाई देना चाहें कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है, क्योंकि पूरा देश जानता है कि प्रधानमंत्री भ्रष्टाचार के चैंपियन है।